student this is priya your teacher and today we are going to start a new chapter cell division by mitosis and in this chapter we will study how cell divides in mitosis so let's get started before starting this chapter we should know that which cell divides constantly and which doesn't so cells in embryo as we see here cells in embryo divides constantly to form a baby skin cells also divide gut cells lining gut lining cells divides constantly like intestinal cells as we see in this diagram okay after that we will see that which cell doesn't divide or it divide rarely सो ब्रेन सेल्स एज वी से सेयर ब्रेन सेल और नर्व सेल्स डिवाइड रेयरली और देयर इज नो सेल डिजन अकर्स ऑन ब्रेन सेल लाइक दैट स्पाइनल कोर्ट सेल्स एंड कार्डियक सेल्स ऑल्सो डिजेंट डिवाइड डिवाइड एफिस और कॉन्स्टेंटली है वो दो दो टाइप्स का होता है माइटोसिस एंड मेसिस तो माइटोसिस में क्या होता है कि माइटोसिस होने का मेन कारण होता है कि वो क्या कर सके सोमेटिक सेल्स बना सके और मियोसिस होने मियोसिस प्रोसेस होने का कारण मियोसिस डिवीजन होने का कारण ये होता है कि वो क्या कर सके न्यू सेक्स सेल्स जो है वो प्रोड्यूस कर सके या फिर क्रिएट कर सके ओके सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स सो व्हाट इज सोमेटिक सेल्स सो सोमेटिक सेल्स मीन्स अ बॉडी सेल अ सेल हुज जीन्स विल नॉट बी पास्ड ऑन फ्यूचर जनरेशन ऐसा सेल जिसका जीन जो है वो फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन नहीं होता है उसको हम लोग सोमैटिक सेल्स बोलते हैं जर्म सेल क्या होता है जर्म सेल्स जो तो है सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऐसा सेल्स जो क्या करता है गैमेट का फॉर्मेशन करता है या फिर गैमेट बनाता है ठीक है जैसे कि एग एंड स्प अ सेल हुज जीन्स कैन बी पास्ड ऑन टू फ्यूचर जनरेशन और ऐसा सेल जिसका जीन जो है वो फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन होता है ठीक है अब सेल डिवीजन जो होता है इसमें हम लोग देखेंगे कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल क्या होता है तो ऐसा सेल जिसके पास दो क्रोमोजोम होता है टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं वो जो है वो क्या होता है डिप्लॉयड सेल्स होता है हैप्लॉयड सेल्स क्या होता है ऐसा सेल जिसके पास जो होता है सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हैंप्लॉयड सेल एग्जाम्पल एग्स एक्सेट्रा सो नाउ सेल साइकिल सेल साइकिल क्या होता है ओके okay? तो सबसे पहले हम ये सोचते होंगे सेल साइकिल तो मैम होता क्या है तो बहुत ईजी है ये सेल देखो यह डेफिनेशन क्या है अ टिपिकल सेल गोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन कॉल सेल साइकिल सेल साइकिल में क्या होता है कि सेल जो होता है वो उसका क्या होता है ग्रोथ होता है डेवलपमेंट होता है और वो जो है रिप्रोड्यूस करता है उसको उस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं सेल साइकिल इजी ऐसा से ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है सेल जो है उसका ग्रोथ होता है डेवलपमेंट होता है और वो क्या करता है रिप्रोडक्शन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेल साइकिल ठीक है तो ज़्यादातर सेल साइकिल जो है मोस्ट ऑफ़ द साइकिल इज़ कॉल्ड इंटरफेज और इसमें जो है ज़्यादातर साइकिल जो है उसको क्या बोला जाता है इंटरफेज़ ठीक है तो ये हो गया इंटरफेज़ का डायग्राम ठीक है इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है तो ये जो हो गया एम फेज इसको माइटोसिस बोला जाता है ठीक है यहाँ पे जीवन जी टू फेज होता है इसमें क्या हो रहा है कि सेल्स दैट कीज डिवीजन सेल ऐसा सेल जो क्या हो रहा है जिसमें डिवीजन हो रहा है और एस फेज जहाँ पे क्या होता है डी एन ए सिंथेसिस होता है तो अब हम लोग आगे देखते हैं सेल साइकिल सेल साइकिल में क्या होता है तो द लॉन्गेस्ट फेज इन द सेल साइकिल इज इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज जो होता है सेल साइकिल में वो कौन सा फेज़ होता है इंटरफेज ठीक है एंड द थ्री स्टेजेस ऑफ इंटरफेज आर कॉल्ड जीवन एस एंड जी टू और इसमें जो है थ्री स्टेजेस होता है जीवन एस एंड जी टू फेज ठीक है तो ये जो है ये डायग्राम है किसका माइटोटिक फेस का ठीक है माइटोटिक फेस का ये डाइग्राम है और इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है जैसा कि हम लोग पहले पढ़े कि इंटरफेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है तो यहाँ पर जो है क्लियरली दिखाया गया है कि इंटरफेस जो है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है ठीक है और इंटरफेस जो है वो क्या क्या कंसिस्ट कर क्य। रहा है जीवन एस और जी टू फेज जो है इसको इंटरफेस कंसिस्ट कर रहा है ठीक है जीवन फेज में क्या होता है इसमें जो है सेल का ग्रोथ होता है एस फेज में क्या होता है ग्रोथ के साथ साथ में डी एन एल एप्लीकेशन होता है और जी टू फेज में जो है वो ग्रोथ के साथ साथ फाइनल प्रिपरेशन होता है सेल डिविजन का उसके बाद जो होता है एम फेज होता है जिसमें माइटोसिस होता है और माइटोसिस जो है वो कवर करता है ये सारे स्टेजेस जैसे कि प्रो फेज प्रो मेटाफेज मेटा फेज एनाफेज टेलो फेज इज साइटोकाइनेसिस ठीक है तो इस अब हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कि माइटोटिक uh, फेज क्या होता है और माइटोसिस डिवीजन कैसे होता है माइटोटिक डिवीजन जो है सेल का वो कैसे होता है ठीक है तो सेल डिवीजन इसमें क्या है कि ऑल लिविंग सेल्स कम फ्रॉम अदर लिविंग सेल्स जितना भी लिविंग सेल्स होता है वो जो है दूसरे लिविंग सेल्स से ही आता है ठीक है ड्यूरिंग माइटोसिस द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स फॉर्मिंग टू न्यूक्लियाई विथ आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि माइटोसिस के टाइम में जो है न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है सेल डिवीजन होता है और उसके बाद क्या होता है फॉर्मिंग टू न्यूक्लियाई न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या फॉर्म करता है दो न्यूक्लियाई फॉर्म करता है और उसके बाद जो है विथ आइडेंटिकल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साथ में ओके okay? अब हम लोग देखेंगे कि माइटोसिस होता क्या है सबसे पहले तो हम लोग ये देखो फर्स्ट लाइन जो माइटोसिस प्रोड्यूसेस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल माइटोसिस में क्या होता है कि दो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं सबसे मेन पॉइंट स्टार्टिंग माइटोसिस में होता क्या है तो माइटोसिस में जो है वो दो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद क्या होता है कि माइटोसिस इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग स्टेजेस माइटोसिस जो है वो इन स्टेजेस में होता है ठीक है जैसे कि प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज ये चार स्टेजेस होता है माइटोसिस का प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज अब हम इसको जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर भाई साहब प्रोफेज में तो होता क्या है मेटाफेज में क्या होता है एनाफेज़ और टेलोफेज में आखिर होता क्या है इसको हम लोग थोड़ा डीपली समझने का कोशिश करेंगे ठीक है तो प्रोफेज इसमें क्या होता है प्रोफेज में जो है सेल्स जो है वो आ, सेल्स बिगिनस द प्रोसेस ऑफ डिवीजन प्रो फेज़ जो है वो बेचारा स्टार्टिंग फेज़ है तो इसमें क्या होना है इसमें जो है सबसे पहले सेल्स जो है वो स्टार्ट होता है कि क्या कर सके वो डिवीज़न कर सके इसमें क्या होता है क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं यहाँ पे देखो डायग्राम क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कंडेंस होता है डी एन ए कंडेंस इंटू डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम डीएनए इज अनकंडेंस्ड जब डी एन ए जो है वो अनकंडेंस्ड फॉर्म में होता है तो वो कैसा होता है और जब डी एन ए जो है कंडेंस्ड हो जाता है तो वो किस तरीके से दिखाई पड़ता है ये इस डायग्राम में हम लोग क्लियरली जो है वो डिफरेंस देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अब इस डायग्राम से हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि इसमें आखिर डी एन ए जो है वो किस तरीके से क्रोमोजोम में होता है ठीक है बाइंड होता है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो है क्या है डीएनए ये जो है एक डी का इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर है अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है डीएनए रैप्स अराउंड प्रोटीन टू मेक क्रोमेटीन यहाँ पे क्या हो रहा है डीएनए जो है वो रैप हो रहा है ताकि वो क्या कर सके क्रोमेटीन का फॉर्मेशन कर सके ठीक है राउंड प्रोटीन ठीक है तो इसमें क्या बोल रहा है कि डीएनए जो है वो रे मतलब बंध रहा है ताकि वो, वो क्या कर सके क्रोमेटिन बना सके ठीक है ये जो है क्रोमेटीन बना लिया अब भाई साहब ये क्रोमेटिन तो बना लिया अब क्या कर रहा है क्रोमेटिन जो है वो फोल्ड अप हो रहा है ताकि वो क्या कर सके क्रोमोजोम का फॉर्मेशन कर सके तो ये जो है क्रोमेटीन बन गया अब ये क्रोमेटिन जो है वो फोल्ड होना स्टार्ट होता है देखो ये फोल्ड होना स्टार्ट हुआ स्टार्ट फोल्ड हो रहा है हो रहा है हो रहा है और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो रहा है ये क्रोमेटिन जो है फोल्ड होके क्या बनाया ये जो है ये बना लिया ठीक है अब ये जो है डुप्लिकेट तो प्रोफेज में प्रोफेज में क्या होता है न्यूक्लियर तो इन्वेल्प जो है वो, वो डिस हो, हो जाता है ठीक है अब सेंट्रियोल माइग्रोट माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल सेंट्रियोल क्या हो रहा है माइग्रेट हो रहा है अपोजिट पोल में के तो ये देखो ठीक है और एस्टर एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्म एस्टर और स्पिंडल फाइबर जो होता है इसमें फॉर्मेशन होता है तो सेंट्रियोल जो होता है वो माइग्रेट होता है अपोजिट पोल्स के साइड में और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है ठीक है ये देखो ये डायग्राम प्रोफेस का तो इसमें क्या हो रहा है कि सेंट्रियोल जो है अपोजिट फोल के साइड जा रहा है और स्पेंडल फाइबर का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है एस्टर और स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है ये जो हो गया ये जो दो ये जो लंबा सा नज़र आ रहा है ये जो हो गया सिस्टर क्रोमेटिड्स उसको बोला जाता है और ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है सेंटर पार्ट इसको सेंट्रेमर बोला जाता है ठीक है मेटाफेज मेटाफेज में क्या होता है कि द क्रोमोजोम लाइन अप एट द इक्वेटर ऑफ द सेल्स मेटा प्लेट विथ द सेंट्रियोल और एट द अपो अपोजिट एंड एंड स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमर इसमें क्या होता है कि जो मेटाफेज में जो है क्रोमोजोम्स <स्याग> जो है वो एक लाइन से जो है वो इसमें सेंटर इक्वेटर में जो है एक लाइन से आ जाते हैं और इसमें जो स्पिंडल इस फ़ाइबर है स्पिंडल फाइबर जो फॉर्म हुआ था देखो ये जो है स्पिंडल फाइबर है ये क्या होता है सेंट्रियोमर जो ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसको सेंट्रियोमर बोला जाता है इसके साथ में जो है अटैच करता है ये ठीक है मेटाफेज में ये होता है डायग्राम हो गया मेटाफो का इमेज देखो इसमें क्लियरली ये डायग्राम देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है क्रोमोजोम्स जो है वो इक्वेटर में एक लाइन से जो है या फिर सेंट्रल पार्ट में जो है सेल के एक लाइन से आ गए लाइन अप हो गए और उसके बाद जो है यहाँ पे जो ये जो ये जो है ये स्पिंडल फाइबर है ये स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रियोमर के साथ में जो है अटैच हो रहा है ठीक है और बाइंड कर रहा है इसको ठीक है ये हो गया मेटाफेज एनाफेज अब एनाफेज में क्या होता है इन एनाफेज द सेंट्रोमर डिवाइड अब इसमें क्या हो रहा है सेंट्रोमर जो है वो डिवाइड हो जा रहा है और एट दिस पॉइंट सेंट ईस्ट क्रोमोजोम गोज़ फ्रॉम हैविंग टू सिस्टर क्रोमेटिड्स टू बिगिन टू सेपरेट क्रोमोजोम अब इसमें क्या हो रहा है कि क्रोमोजोम्स जो है वो डिवाइड हो जा रहा है जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं क्रोमोजोम जो है वो डिवाइड हो गया और टू सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो है इसमें टू सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट हो जाती हैं ठीक है टू सिस्टर क्रोमटीज जो है वो सेपरेट हो जाती है इस इंस्टाग्राम में हम लोग देख सकते हैं अब टेलोफेज में क्या होता है कि टेलोफेज में जो है न्यूक्लियस एक्चुअली डिवाइड टेलोफेज में जो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाती है और उसके बाद जो क्रोमोजोम्स है वो पोल के साइड में चले जाते हैं और जो न्यूक्लियर इन्वेल्प रिफॉर्म्स अराउंड द टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम और न्यूक्लियर इन्वेल्प का जो है फॉर्मेशन uh, होता है अराउंड द क्रोमोजोम देखो ये जो है न्यूक्लियर इनवेलप जो है इसका फॉर्मेशन होता है अराउंड द ठीक है अब साइटोकैनसिस होता है इसमें तो साइटोकैनिस क्या होता है द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं ठीक है इन एनिमल सेल्स क्लीवेज फरो फॉर्म्स एंड सेपरेट डॉटर सेल्स क्या बोलता है एनिमल सेल्स में जो है क्लीवेज फॉर्म होता है फरो उस वो क्या करता है डॉटर uh, सेल्स को जो है वो सेपरेट कर देता है ठीक है तो इन प्लांट सेल्स आर सेल प्लेट फॉर्म्स एंड सेपरेट डॉटर सेल्स क्या बोल रहा है कि प्लांट सेल में भी क्या होता है कि एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और वो क्या करती है डॉटर सेल्स को जो है वो सेपरेट कर देती है इसमें हम लोग देख सकते हैं इस डाइग्राम में ये जो है प्लेट का फॉर्मेशन हुआ प्लेट्स का फॉर्मेशन और ये जो है टू सिस्टर डॉटर टू डॉटर सेल्स जो है वो सेपरेट हो गई ठीक है अब देखेंगे हम लोग कि एनिमल्स और प्लांट में जो माइटोसिस होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है तो एनिमल सेल्स जो होते हैं एनिमल सेल्स जो होते हैं उसमें जो सेंट्रियोल होता है सेंट्रियोल एंड एस्टर प्रजेंट एनिमल सेल्स में जो है सेंट्रियोल और एस्टर प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्लांट सेल्स में जो होते है इसमें जो है सेंट्रियोल और एस्टर जो है वो विजिबल नहीं होते हैं ठीक है और उसके बाद क्या होता है एनिमल सेल्स में कि डॉटर सेल्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं बाय क्लीवेज फररो ठीक है लेकिन प्लांट सेल्स में क्या होता है ये सेल प्लेट के थ्रू जो है वो डॉटर सेल्स जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं ये जो है डिफरेंट स्टेजेस होते हैं माइटोसिस के ये फर्स्ट वाला प्रोफेज हो गया सेकेंड वाला मेटा फेज हो गया थर्ड एना फेज फोर्थ टेलो फेज और फिफ्थ जो हो गया ये साइटोकाइनेसिस के द्वारा जो है दोनों सिस्टर सिस्टरक्रोमेट्र जो हैं वो डॉटर सेल्स जो हैं वो अलग हो जाती हैं डॉटर क्रोमोसोम्स जो है वो अलग हो जाती हैं ठीक है so that's it so if you like my video then like share and subscribe and press the bell icon to never miss an update and if you have any doubt then ask me on comments